हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप प्रताप सिंह शेखावत है। मुझे इस साल की सिविल सर्विस एग्ज़ाम में 72nd रैंक हासिल हुआ है और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। मैं जोधपुर ज़िले का रहने वाला हूं और इस जर्नी के अंदर ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था जिसके अंदर ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ है। तो मैं आप सब लोगों के साथ में अपनी जो स्टोरी है वो शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग इंस्पायर हो सकें, क्योंकि हर कैंडिडेट की एक अलग स्टोरी होती है। मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का सपना देख रहे हैं, शायद उनको थोड़ा इंस्पिरेशन मिल सके। तो मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करना 2015 में स्टार्ट किया था। उससे पहले अपने कॉलेज के समय के अंदर मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था, जिसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ था वो था सोशल सर्विस। और हम लोग एक क्लब से जुड़े हुए थे, लायंस क्लब उसका नाम था, और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने बहुत जगह पे अच्छा काम किया था, उस सोसाइटी के लिए काम किया था, कम्युनिटी के लिए काम किया था। अपने कॉलेज के समय के अंदर हमने स्कूल के अंदर जाके बच्चों को पढ़ाया भी है, हमने ज़रूरतमंदों को ब्लड भी डोनेट करवाया है और बहुत सारी तमाम चीज़ें की हैं जिससे हमारी सोसाइटी को हम एक बेहतर बना सकें। तो इस तरीके से जब वो काम जब मैंने शुरू किया तो उस काम के अंदर एक बहुत खुशी मिलती थी दिल को कि किसी की मैं हेल्प कर रहा हूँ। तो वो खुशी ऐसी थी जिसका मैं बिल्कुल बखान नहीं कर सकता हूँ। इस वजह से मैंने ये सोचा कि जब मुझे ये काम करने में इतनी खुशी मिल रही है तो क्यों ना मैं इसी को अपना करियर बना लूँ। तो इसी संदर्भ में मैंने ये सोचा कि मेरे अपनी कई सारे सीनियर्स ने मुझे बताया कि एक IAS का एग्ज़ाम भी होता है जिसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। तो उस समय के अंदर मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँगा और अपना अटैम्प्ट दूंगा। तो इस तरीके से जब मेरा फाइनल ईयर में मेरा जॉब भी लगा था, लेकिन मैंने बहुत कठोर डिसीजन लेते हुए अपना जॉब ज्वाइन नहीं किया और मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक पूरा अटैम्प्ट सिविल सर्विसेज को दूं और पूरी तरीके से मेहनत करूं, पूरा अपना 100% दूं इस एग्ज़ाम के लिए। तो जब मैं इस डिसीजन को ले रहा था वो एक घड़ी ऐसी थी जिससे मेरी लाइफ चेंज कर दी, बिकॉज उस समय के अंदर मुझे कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे बहुत सारे लोग जो थे वो मेरी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट कर रहे थे। तो उस तरीके से उस समय मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और मेरी फैमिली ने मुझे पूरा भरोसा दिया कि अगर तुमको प्रिपरेशन करना है स्टार्ट तो तुम करो, हम तुम्हारे साथ में। बस उनका ये मोटिवेशन, उनका ये जो साथ था वही काफ़ी था और मैंने एक निडर होके एक डिसीजन लिया और मैंने स्टार्ट कर दी अपनी प्रिपरेशन। तो 2015 में मैं जब दिल्ली आया तब मैंने यहाँ पर आके देखा कि यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन चल रहा है और इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा इस एग्ज़ाम के अंदर होती है कि कई बार आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन उस मुश्किल घड़ी में भी मैंने ये सोचा कि नहीं, रिग्रेट नहीं रखना है। अगर प्रिपरेशन का मैंने सोचा है, प्रिपरेशन मुझे करनी है, तो मैं अपने जोश और होश के साथ में ये प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, कड़ी मेहनत करूँगा और एकदम अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम के अंदर कम्पीट करूँगा। तो ये थॉट मेरे दिमाग के अंदर आया और मैंने सोचा कि इसको एक अटेम्प्ट तो बहुत अच्छे तरीके से देंगे और मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसके बाद में जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया 2016 के अंदर, तो 2016 के अंदर मैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में मैंने क्लियर उस एग्ज़ाम को नहीं कर पाया और मेरे को 0.66 मार्क्स से मैं उस एग्ज़ाम में रह गया। तो वो एक ऐसा मोमेंट था मेरी लाइफ के अंदर, उसका रिज़ल्ट मुझे आज भी याद है, अगस्त में उसका रिज़ल्ट आया था और आज भी मुझे वो क्षण याद है, क्योंकि उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था कि इतने कम नंबर से मेरा नहीं हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर चल रही थी जो मुझे अपनी सोसाइटी के लोगों ने, अपने रिलेटिव्स ने, अपने दोस्तों ने बोली थी कि यार IAS एग्ज़ाम बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, कैसे कम्पीट कर पाओगे तुम। तो ये सारे थॉट्स जब मेरे दिमाग के अंदर आते थे तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं इतनी दूर तक पहुँचा हूँ तो कुछ तो बात मेरे अंदर है, तभी मैं इतने कम मार्जिन से रहा हूँ। तो जब ये थॉट मैंने अपने दिमाग के अंदर लेके आया तो मैंने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फिर से तैयारी की स्टार्ट की और मैंने बहुत जोर शोर से मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, मेन एग्ज़ाम की। और इसी तरीके से वो पूरा साल मैंने जो मेहनत की है उसका रिज़ल्ट मुझे 2017 के अटेम्प्ट में मिला। 2017 के एग्ज़ाम के अंदर मैंने प्रीलिम्स भी क्लियर किया था, मेंस भी क्लियर किया था और इंटरव्यू तक पहुँचा था। हालाँकि फ़ाइनल लिस्ट के अंदर मेरा नाम नहीं आ पाया, वो भी एक ऐसा क्षण था मेरी ज़िंदगी का जिसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी और बहुत ज़्यादा मैं निराश हो गया था, क्योंकि ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल मेरे मन के अंदर आ रहे थे कि किस तरीके से मैं इस एग्ज़ाम को कम्पीट कर पाऊँगा। क्योंकि ये फाइनल स्टेज में जब आप जाके रिजेक्ट होते हैं तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आप उस सपने को देख चुके होते हैं।
कि आप बस आईएएस बनने ही वाले हैं, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया, मैंने अपना नाम नहीं देखा पीडीएफ के अंदर, तो मुझे ऐसा लगा कि अब यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा। लेकिन उस समय के अंदर भी मैंने अपने आप को संभाल के रखा, अपना हौसला कम नहीं होने दिया, और मैंने बस यही सोचा कि क्या सोच के मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी की थी। अगर आज मैं इस एग्ज़ाम को यहाँ पर छोड़ देता हूँ तो ज़िंदगी भर मैं अपने आप से सवाल करता रहूँगा कि मैंने अपनी काबिलियत के साथ जस्टिस नहीं किया। तो उस समय के अंदर, उस कठिन घड़ी के अंदर, मैंने पूरे ज़ोर शोर से फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की। एक महीना प्रीलिम्स के लिए बाकी था, मुझे आज भी याद है वो समय, जिसके अंदर एक महीने के अंदर मैंने पूरी अपनी जोर लगा दी एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो इस तरीके से मैंने प्रीलिम्स के अंदर अपना 100% दिया, इस तरीके से मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। फिर जब मेन एग्जामिनेशन था, तो मेन एग्जामिनेशन में भी मैंने अपना कोई कसर बाकी नहीं रखी। हर पेपर के अंदर मैंने ये कोशिश की कि मैं अपना 100% दूँ, ताकि दोबारा मुझे इस एग्ज़ाम को ना देना पड़े। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में मैंने मेन एग्ज़ामिनेशन की तैयारी की, और अच्छे नंबर से मैंने मेन एग्ज़ाम क्लियर किया। फिर जब इंटरव्यू का समय आया, तो ये समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन में, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर मुझे पिछले इंटरव्यू में काफ़ी कम नंबर मिले थे। तो एक पर्सनैलिटी पर मुझे अपने डाउट था कि क्या मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे बैकग्राउंड के लोग, मेरी जैसी लिमिटेड एबिलिटीज़ के लोग क्या इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा एकेडमिक रिक्वायरमेंट इस एग्ज़ाम की होती है, बहुत आपको पढ़ना पड़ता है, बहुत तरह के टेस्ट होते हैं आपके प्रीलिम एग्ज़ाम के अंदर, मेन एग्ज़ाम में 7 पेपर होते हैं। तो इतने बड़े स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू क्या मैं उस फाइनल लिस्ट में कभी आ पाऊँगा। लेकिन जब ये ख्याल मेरे दिमाग में आता था, तो मैंने बस यही चीज़ सोची कि अगर मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो सिविल सर्विसेज के अंदर चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप हार्डवर्किंग हो, आपके अंदर एम्पैथी हो, आप देश की सेवा करना चाहते हो, वैसा भाव आपके अंदर हो। तो जब मैंने ये सोचा कि यार जब मेरे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ है, तो मुझे अपने आप पे डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि यूपीएससी भी ऐसे ही कैंडिडेट को सेलेक्ट करना चाहती है जो सच्चे दिल से हमारी कंट्री की सेवा करना चाहते हो, हमारे समाज की सेवा करना चाहते हो। तो मैंने हमेशा इसी चीज़ से अपने आप को मोटिवेटेड रखा, इंटरव्यू की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन मैंने की, और इसी वजह से मुझे इंटरव्यू में इतने अच्छे नंबर मिले, और उसी वजह से आज मैं एक आईएएस ऑफिसर बन चुका हूँ। और अपनी इस सक्सेस स्टोरी के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कैंडिडेट्स को कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पढ़ाई में कभी अच्छे रहे हो या फिर कभी ख़राब हुए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी बार फेल हुए हो। बस एक ही चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस एग्ज़ाम के अंदर, वो है आपका मोटिवेशन। आपने जिस प्रेरणा से इस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट की थी, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो लोग, वो जो हमारे समाज का युवा वर्ग है, और जो इस कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए पूरे दिल से कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए आईएएस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं उन सभी को इंस्पायर करना चाहता हूँ कि अगर आपने ये सोचा है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, आपके मन में कोई झिझक है, तो मैं आपके सामने एक सबसे बेस्ट एग्जांपल बैठा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं थी, मेरे अंदर वो एबिलिटीज़ नहीं थी, मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था, फिर भी मैं यहाँ पे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाया और एक आईएएस ऑफिसर बन पाया। तो आप लोग भी पूरे ज़ोर शोर से इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, पूरी मेहनत अपनी लगा दीजिए, और ये सोच के तैयारी कीजिए कि कल को आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा अपनी कंट्री की सर्विस करने का, अपने समाज की सेवा करने का। तो इस तरीके से आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।